अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज शाह शहजाद, आपका केमिस्ट्री लेक्चर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, और आज हम जो आपसे लेसन डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है लेक्चर नंबर 12, और आज हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। जी, आपको माइंड में आइडिया आया होगा कि हमने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था कि रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जी हाँ, तो आज हम आपको बता रहे हैं एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जी, तो स्टार्ट करते हैं। जी, आप सोच लोगे एनर्जी होती है कि उसमें दो चीजें आती हैं, उसमें एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। जी हाँ, तो एनर्जी हम पहले लिख रहे हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 ma², इसको बोलते हैं ½ ma². अब हमने फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। जी, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमने हेडिंग सबसे पहले लगानी है, और आपको ये बताना है, और आपको ये पता भी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान। और हमने लास्ट से लास्ट टाइम ये शेयर किया था, वो होती है F=ZE² / 4πε₀r². जी हाँ, अब हम चूंकि आप बता रहे पोटेंशियल एनर्जी, और उसको हम बताएंगे वर्क की सेंस में, W की सेंस में। W=FS, F हमारे पास है फोर्स और S कहते हैं डिस्टेंस को। फोर्स कहते हैं जी ZE² / 4πε₀r², और डिस्टेंस बोलेंगे dr। dr का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन है, आपने उसको डिस्टेंस r पर लाना है। जी हाँ, अब W कहते हैं वर्क को, मतलब हमें वर्क करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी कहते हैं लामहदूद कोई ऑर्बिट जहां पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इन्फिनिटी से आपने उसको डिस्टेंस r पर लाना है, मतलब न्यूक्लियस के करीब लाना है। जी हाँ, तो क्या करना पड़ेगा हमें, जरा मैथ का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। जी, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बाय इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन W=2, डियर स्टूडेंट्स ये इंटीग्रेशन का साइन है, और इनफिनिटी टू डिस्टेंस r, Z² वैसे हमने लिखा उसको, डिवाइडेड बाय 4πε₀r² मल्टीप्लाई बाय dr। जी, अब इस हिस्से से हम चलते हैं नेक्स्ट हिस्से की तरफ। जी, सेकंड पोर्शन हमारे पास दोबारा हमने यहां लिखा हुआ है W=2, इनफिनिटी का साइन है, और ये है इंटीग्रेशन का साइन, और इनफिनिटी टू डिस्टेंस r, Z²/4πε₀r² जो हमने यहां लिखा था, और मल्टीप्लाई बाय dr। जी हां, अब आपको याद होगा कि अच्छा एक चीज और आपने माइंड में रखनी है कि जो चीज कांस्टेंट होती है उसकी इंटीग्रेशन नहीं होती, आप उसको बाहर निकाल लेंगे। जी हाँ, तो देखिए हाँ, Z²/4πε₀r² उसको हमने बाहर निकाल दिया, और बाकी बच गया, मतलब इंटीग्रेशन होने जा रही है, 1 ऊपर बच गया और डिवाइडेड बाय r² है, तो इन्फिनिटी का साइन है इन, और ये आपके पास है इन्फिनिटी टू r, ये आपके पास है इंटीग्रेशन का साइन 1/r² मल्टीप्लाई बाय dr। जी हाँ, अब क्या करते हैं, आपने इसका डिवाइड फॉर्म खत्म करना है, मतलब वो ऊपर आ जाएगा माइनस की फॉर्म में, तो ये बनेगा r के बराबर -2 और dr। अब जी, आपके पास एक चीज आ गई इंपॉर्टेंट, वो रेडियस -2, मतलब -2 की शक्ल में आपने इसको इंटीग्रेट करना है, तो W=ZE²/4πε₀r, हम चाहते हैं कि जब जब ये सोल्व हो जाए, ये जो इंटीग्रेशन है ये सोल्व हो जाए, और इन्फिनिटी ये तमाम मामला सोल्व हो जाए, तो हमने ब्रैकेट लगाई। अब रूल ये है कि r माइनस टू लिखकर, मैं इसको दोबारा आपके सामने लिख भी देता हूं, मैं इसको सारा रेस कर देता हूं, डिवाइडेड फॉर्म में क्या कहना है, आपने r माइनस टू लिखना है, डिवाइड फॉर्म लगाना। जी हाँ, अब आपने करना क्या है, पावर को एज इट इज नीचे लिख देना है, डिवाइड के नीचे, ठीक हो गया जी। जी, अब आपने क्या करना है कि एक दर्जा डिवाइड फॉर्म में बढ़ा देना, मतलब प्लस 1 कर देना है, और ऊपर जो पावर है उधर भी आपने प्लस 1 कर देना है। अब आपके पास इक्वेशन, ये डियर स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन का रूल है जो हमने यहां एक फार्मूला अप्लाई किया है, तो W=ZE²/4πε₀r, क्या होगा जी, r -2 + 1, ये होगा -1 डिवाइड बाय -2 + 1 -1, और ये ब्रैकेट है इनफिनिटी टू डिस्टेंस r। डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, W=2, अब ये माइनस किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बनेगा -Z²/4πε₀r, ये आपके पास ब्रैकेट आ गई, अब ये r की पावर -1 नीचे आके 1/r हो जाएगा, और ये इनफिनिटी डिस्टेंस था। स्टूडेंट्स तकरीबन r हमारे पास सॉल्व हो चुका है, हम चाहते हैं इनफिनिटी वाला मसला भी हल हो जाए, उसको भी सॉल्व कर दें, तो W=-Z²/4πε₀r, 1/r माइनस क्या करेंगे, 1/∞, और याद है इनफिनिटी होता है 0, तो W=-Z²/4πε₀r, 1/r -0, तो -0 इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 1/r, मतलब दोबारा पढ़ाओ इसको, W=-Z²/4πε₀r, 1/r। जी हाँ, अब आपने क्या करना, जी इसको मल्टीप्लाई करना है, जी
जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से ऊपर तो ये बनेगा जेड स्क्वायर आर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो डियर स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आ गया w = z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r जी अब हम चलते हैं जी इसके रेस्ट हिस्से की तरफ हमने क्या किया इसको दोबारा लिखा वहां पर एज इट इज w = अब देखिए वर्क का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करना है जी हां वर्क हमने जो किया है वो पोटेंशियल एनर्जी है इज इक्वल टू वो लिखा हमने लास्ट वाला माइनस z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r जी अब आपने क्या करना है आपके पास खड़े एनर्जी की वैल्यू आपको पहले पता थी अब आपने फाइंड किया पोटेंशियल एनर्जी तो डियर स्टूडेंट्स दोनों वैल्यूज आ गई हैं अब आपने क्या करना है इसको आपने पुट कर देना है तो एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 m स्क्वायर तो e इज इक्वल टू 1/2 m स्क्वायर प्लस प्लस माइनस ये फार्मूले वाला है z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r अच्छा आगे पढ़ने से पहले एक बात और आपसे शेयर कर लें ये माइनस का साइन आया तो क्यों आया तो डियर स्टूडेंट्स याद रहे माइनस का मतलब ये है कि अब इलेक्ट्रॉन इनफिनिटी पर नहीं बढ़ा बल्कि न्यूक्लियस के करीब आ गया मतलब अब उसकी उसकी एनर्जी इनफिनिटी पर जीरो थी अब जीरो नहीं है जी हाँ तो इसलिए माइनस का मतलब है कि अब न्यूक्लियस के करीब आ गया वो तो E is equal to 1/2 m square minus z is plus minus minus z square over 4 by epsilon r अब आपको याद है हमने आपसे लास्ट टाइम ये बात शेयर की थी कि m v square किसके बराबर होता है z square over 4 by epsilon r के जी हाँ ये हमने फाइंड किया था रेडियस ऑफ ऑर्बिट वाले टॉपिक में तो क्या करेंगे कि आप m square की जगह में ये पुट करते हैं इक्वेशन क्या बन जाएगी E is equal to 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है mv स्क्वायर z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r माइनस का माइनस z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r E is equal अब आपने क्या करना है जिसका एलसीएम लेना है तो डेट्स लेंगे उससे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से करेंगे वैसे के वैसे रहेगा 2 4 का 8 हो जाएगा तो E is equal to z स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन r माइनस z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r अब आप लेंगे इसका एलसीएम अब एलसीएम क्या जी पता है कि जो सेम कॉमन चीज उसको आप लिखेंगे यहां पे तो हमने लिया 8 by epsilon r मतलब E is equal to divide का साइन लगा के 8 by epsilon r इसको इस वैल्यू पर डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बन गया z स्क्वायर माइनस इसको डिवाइड किया नीचे 8 by epsilon r मतलब 4 by epsilon r को डिवाइड किया 8 by epsilon r में जो आंसर 2 आया उसको मल्टीप्लाई किया z स्क्वायर तो ये बन गया माइनस 2 z स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स माइनस 2 प्लस 1 ये बच गया माइनस z स्क्वायर E is equal to माइनस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 by epsilon r अब आपको याद होगा इस इक्वेशन में हमने लास्ट टाइम आपसे शेयर किया था कि r की वैल्यू r होता है रेडियस तो आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था लास्ट टाइम हमने इसको फाइंड भी किया था कि r किसके बराबर होता है r is equal to epsilon naught n square h square over pi m z square जी हां अब आपने क्या करना है जी r की वैल्यू पुट करनी है इधर e is equal to ये वैसे का वैसी वैल्यू है माइनस z square डिवाइडेड बाय 8 pi epsilon r 8 pi f epsilon naught मल्टीप्लाई डियर स्टूडेंट्स r दीवार के नीचे है तो क्या करेंगे जी जो r की वैल्यू है उसको आपने उलट करके लिखना है मतलब r है ना epsilon n square h square आप उसको डिवाइड फॉर्म में लेंगे जी हां तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी तो pi m z square डिवाइड बाय epsilon n square h square pi से pi कैंसिल हो गया तो डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन आपके पास आ गई e is equal to माइनस का माइनस डियर स्टूडेंट्स ये z है ये भी z तो ये z का स्क्वायर है क्योंकि दोनों चीजें सेम हो मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर हमेशा जमा हो जाती है तो माइनस z स्क्वायर e की पावर 2 की पावर 2 e की पावर 4 और ये m गम डिवाइडेड बाय 8 epsilon naught epsilon मल्टीप्लाई में तो ये हो गया epsilon का स्क्वायर n स्क्वायर और h स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स e इज इक्वल टू अब क्वेश्चन बन गई हां अब आपको याद होगा सर हमने कांस्टेंट को अलग-अलग कर दिया जी हां अब आपने क्या करना जी कांस्टेंट को सेपरेट कर उसको अलग कर लेना है तो याद रहे माइनस z स्क्वायर e की पावर 4 m डिवाइडेड बाय 8 epsilon naught का स्क्वायर और h का स्क्वायर ये कांस्टेंट है और बाकी डिवाइड नीचे है n स्क्वायर तो हमने लिखा 1 ओवर n स्क्वायर तो डियर स्टूडेंट्स e is equal to minus 2.178 multiplied by 10 raised to power minus 18 divided sorry multiplied by 1 over n square और जूल आ गया अंदर से जो होता है जूल अब आप सोच रहे होंगे कि 2.178 minus ये आंसर कहां से है तो आपको पता है हमने आपसे लास्ट टाइम शेयर किया था कि ये कांस्टेंट वैल्यू होने जा रही है z is equal to 1 और इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है 1.6022 मल्टीप्लाई बाय माइनस 19 कूलम है और मास m कहते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1095 मल्टीप्लाई बाय माइनस 31 किलोग्राम और एप्सिलॉन r की वैल्यू हमने आपसे लास्ट टाइम चेक की थी वही वैल्यू हमने यहां लिखी है 8.84 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर और नेक्स्ट जो लास्ट में बताया आपको h स्मॉल h उसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट और उसकी वैल्यू है 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10 इस पावर माइनस 34 जूल सेकंड
देखिए सारे वैल्यूज हमने उठा के यहां पुट की, वापस आंसर आ गया e is equal to -2.178 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18 1 ओवर n स्क्वायर जूल। स्टूडेंट्स हमने क्या किया इसको दोबारा आप चलते आखिरी हिस्से की तरफ, सेकंड लास्ट हिस्से की तरफ सॉरी, वो हमने इसको दोबारा ऊपर लिखा e is equal to -2.178 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18 1 ओवर n स्क्वायर जूल। अब स्टूडेंट्स आप एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, जी हां आपके पास इक्वेशन आ गई है जो हम चाहते थे कि एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, यहां तक हमारा मसला हल हो गया। अब हमें आपको बताना है कि nth ऑर्बिट और यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो अब एनर्जी क्या होगी, हम आपको वो शेयर करने वाले हैं। उससे पहले आप ये एक बात सुन लें कि एक मोल हाइड्रोजन था उसकी एनर्जी फाइंड की जूल पर एटम बोलेंगे उसको। अब देखिए अगर आप इस तरह करें कि उसी वैल्यू को 1000 पर डिवाइड करते हैं और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये एनर्जी आएगी किलो जूल पर मोल, मतलब E = -2.178 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 18 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर 1 ओवर n स्क्वायर किलो जूल पर मोल मल्टीप्लाई होगा उसके साथ, तो ये नया आंसर आपके पास आ जाएगा E = -13.315 1 ओवर n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। अब डियर स्टूडेंट्स हमने आपसे लास्ट टाइम भी शेयर किया था कि आप इस तरह नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, आप 1 पुट करेंगे इधर एनर्जी होगा आपका आंसर आ जाएगा -13.315 किलो जूल पर मोल, आप 2 पुट करेंगे एनर्जी का पे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा वो मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो नया आंसर आपके पास आ जाएगा -328.32 किलो जूल पर मोल। इस तरह अगर आप थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं आप एनर्जी का 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स नया आंसर आ रहा है तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी आ रहेगी -145.92 किलो जूल पर मोल। इस तरह फोर ऑर्बिट की एनर्जी आपके पास आएगी, आप बता सकते हैं इस तरह आपके पास 5 ऑर्बिट है तो ये सारे आप बता सकते हैं कि इस तरह होते होते आप पहुंच जाएंगे इंफिनिटी तक, तो जो 5 ऑर्बिट है उसकी एनर्जी आप वैल्यू पुट करेंगे -52.53 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। अब हम आपसे आखिरी सा शेयर कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी डिफरेंसेस ऑफ वेरियस या आप कहें कि ऑफ वेरियस या डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ वेरियस और डिफरेंट ऑर्बिट, अगर आपके पास डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं तो उनकी डिफरेंट एनर्जी तो उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, याद है E2 - E1 और इस सवाल मतलब आप E2 की वैल्यू पुट करें फिर E1 की वैल्यू पुट करें उनका डिफरेंस निकालें तो उसकी वैल्यू लेस है एज कंपेयर टू E3 - E2, मतलब जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो लेस हो रहे हैं, वजह यह है कि जो साइज है वो बढ़ रहा है, जो आप कहेंगे ऑर्बिट्स है उनकी तादाद बढ़ी तो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कम होगा, डिफरेंस याद है कम होगा। अब आप बता रहे हैं आखिरी बात का कंक्लूजन, तो याद रहे अगर आपने एनर्जी फाइंड करनी है इनफिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ अगर आप आते हुए एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला आप लिखेंगे एनर्जी ऑफ इनफिनिट ऑर्बिट -E1 पहला ऑर्बिट इज इक्वल टू आप पता है इनफिनिटी होता है 0, जी हां 0 ये माइनस फार्मूले वाला और E1 आपके सामने यहां लिखा हुआ है -13.315 किलो जूल पर मोल, वो आप यहां पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ गया 13.315 किलो जूल पर मोल, इसको आप कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। तो इस आपके दो बातें समझ आई कि जो एनर्जी है अगर आप ऑर्बिट टू ऑर्बिट जाए और वो एडजेसेंट ऑर्बिट तो एनर्जी बढ़ रही है लेकिन जब आप डिफरेंसेस में जाते हैं तो एनर्जी कम हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज हमारा टॉपिक, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टॉपिक शेयर करेंगे स्पेक्ट्रम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।